आओ कृष्ण कथा के अमृत गंगा में, ज्ञान गंगा में, प्रेम गंगा में डूबकर हम भी प्रेमी बन जाएं, ज्ञानी बन जाएं, उपासक बन जाएं। हमारे माथे पे हम तिलक तो लगाएं, पर वो तिलक लगाने के लिए इतनी चमक भीतर पैदा होनी चाहिए ना। तिलक फीका ना पड़ जाए हमारा, हमारी कंठी बेकार न चली जाए, हमारा भजन बेकार न चला जाए, हमारा मानव का जीवन बेकार न चला जाए। इस पे हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए। कुछ आए थे चले गए, कुछ जा रहे हैं, कुछ आगे जाने वाले हैं। सदैव इस धरती पर कोई रहने वाला नहीं है। ये मौका दिया है भगवान ने, अवसर दिया है। ये मनुष्य तुम इंसान बनाकर भेजा, कुछ अच्छा कर ले, कुछ ठीक कर ले, जीवन में कुछ ऊंचा कर ले। तू तेरे जाने के बाद भी लोग कहें कि कितना अच्छा व्यक्ति था, कुछ ऐसा काम कर ले। जाना सभी को है। बड़े बड़े राजे महाराजे चले गए, बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी गए, साधु संत भी गए, गृहस्थी भी गए, जो भी आए इस धरती पर सब गए, और सबको जाना पड़ा और सबको जाना है। जाना सभी को है, पर जाने से पहले कुछ तो कर जाओ। क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, और क्या पता कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। ऐसे मौके की तलाश में रहा करो लोगों, शायद ये जिंदगी किसी के काम आ जाए। किसी को जीवन दे न सके तो किसी का जीवन लेने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है। किसी एक व्यक्ति को प्राण दे सकते हो? अभी कोरोना के समय ऑक्सीजन के अभाव में सभी मनुष्यों की ऐसी स्थिति हो रही थी जैसे वो मछली की होती। मछली एक एक बूंद पानी के लिए तड़पती है ना, जब उसको बाहर निकालते हैं छटपटाती है। जब ऑक्सीजन नहीं पर्याप्त थी ना, फेफड़े काम करना जब बंद कर दिए थे लोगों के, तब ऐसे ही तड़प रहे थे। एक बार श्वास मिल जाए, शायद तब भी ये मनुष्य बदला नहीं, सुधरा नहीं। इसको समझ नहीं आई कि जीवन कितना अनमोल है, और केवल मेरा ही नहीं, एक एक प्राणी का जीवन अनमोल है। है कि नहीं है माता? आप कभी चींटी को हाथ लगाकर देखना, वो दौड़ लेती है, एकदम दौड़ती है। उसको लगता है मेरे प्राणों पर खतरा। जीवन किसी का भी हो, पक्षी का, पशु का, जानवर का, सबको अपना जीवन प्रिय होता है, सबको प्रिय होता है। इसलिए आओ जियो और जीने दो।